आई रिमेम्बर यार, तेरे साथ काफी बुरा हुआ। नहीं, अच्छा हो सकता था, उन्हें होने नहीं दिया। तुम मालूम है, तू अपने बलबूते पे मेरे लिए गारंटी ले सकता, लेकिन तूने ली नहीं ना। अरे यार, नहीं नहीं, क्लेरिफिकेशन क्यों दे रहा है? क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। देखो मालूम है, अगर मेरी जिंदगी में तेरे जैसे अगर दोस्त नहीं होंगे तो मैं गिरूंगा कैसे और अगर माया गिरता नहीं ना, ये जो लाठी मैंने पकड़ रखी थी पार्टनरशिप की, ये छूटती कैसे? अविनाश प्लीज, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अरे माया, इट्स ओके, लेट मी एंजॉय। दोस्त है ये मेरा, फ्रेंड, फ्रेंड है मेरा। अरे ये क्यों बुरा मानेगा अगर मैंने बुरा नहीं माना तो, जब इसने मुझे लंगड़ी लड़ाई थी। तो मालूम है यार, आज मैं 500 करोड़ का आदमी, तेरी औकात देख और मेरी औकात देख। तू देखो मालूम है, तू जी रहा और मैं जिंदगी पी रहा हूँ। चीयर्स। अरे कोई दिक्कत नहीं है माया, बहुत प्यारी सी बीवी है मेरी, माँ का साया है मेरे साथ में, बाप की दुआएं हैं, दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। यू आर नथिंग, यू आर नोबडी। प्लीज, बहुत लेट हो गया, चलो ना आपको। अरे माया, दोस्त है मेरा, दोस्त। अगर मैंने इसको घर पे बुला के इसकी औकात बता दी तो ये क्यों बुरा मानेगा? तुझे बुरा लगा मैंने तेरी औकात बताई? नहीं ना। तूने एक बात पे गौर किया है अभी, कि तेरी ग्रोथ लाइफ में नील के आने के बाद ही हुई है? मुझे पता है। तो मालूम है, जब से नील आया है ना, तब से मैंने कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। यू नो, ही इज लकी फॉर मी। हाँ, बट अब मैं तुझे एक सीक्रेट बताता हूं, कि तेरी ग्रोथ की वजह नील नहीं, माया है। ये एक 11 साल पुराना सीक्रेट है, अ डार्क सीक्रेट यू सी, जो जब तुझे पता चल जाएगा ना तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आज तू जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ माया की वजह से है। अभी बहुत लेट हो गया, दिस इज इनफ। अरे माया, इट्स ओके, ड्रिंकिंग इज गुड, वन लास्ट ड्रिंक, वन लास्ट सीक्रेट। हाँ भाई, अंगूर लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है लड्डू के भैया। बेबी, तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? खर, तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया में खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अभीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए। पुलिस ने जरूर से विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर,
मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब पापा, मैं निक्की के घर जा रही हूँ। आप, वो उसका कॉल आया था, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।